सवाल है, तुम्हारा सवाल उठाता हूँ। एक चीज पता होना चाहिए कि वहाँ के एमएलए क्या कर रहे हैं, पता है आपको? वहाँ के एमएलए मिलिट्री को बोलते हैं, अरे ये अपने बंदे हैं, ये दंगा मचा रहे हैं, इनको छोड़ो। आज समझो इस बात को, मिलिट्री वालों के हाथ बंधे हैं, पुलिस वालों के हाथ बंधे हैं, दंगाइयों के साथ खड़े हैं मिलिट्री वाले और पुलिस वाले। ये सबसे बड़ा सवाल है। मणिपुर के अंदर एक बेटी को सरेआम गोली मार दी गई सड़क के ऊपर, आपको वीडियो दूंगा साथ में लगाओ, और मिलिट्री वालों की बंदूक से मारी गई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। देश के रक्षक भक्षक बन चुके हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबको अपनी नौकरी प्यारी है, देश किसी को प्यारा नहीं है। बेटी को सरेआम गोलियां मारी जा रही है, उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डाले जा रहे हैं, उस देश के अंदर देश मजबूत नहीं होगा, वो देश कमजोर होगा। वो और मादी सरकार के ऊपर एक सही मायने में एक इतना बड़ा कलंक है मणिपुर का, जो घटना हुई है कि मोदी सरकार अगले 7 जन्मों में भी अगर जन्म लेगी ना, तो मणिपुर की घटना इनको सोने नहीं देगी। बेचैन रहेंगे, आधी आधी रात को इनको सपने आएंगे, पर इनको सालों को पता नहीं होगा ये हमें सपना खेलों के ऊपर भी पिनौती है। जब से ये आया है साला इंडिया की दुर्गति होती जा रही है, किसी का बल्ला ही नहीं चलता, सिर्फ इसकी जबान चलती है और इसके इशारे चलते हैं। ऐसे ऐसे वाले तो राजनीति करेंगे, आज पुजारी क्या करेगा, घंटी बजाएगा, काय को बजाएगा, आप बताओ। आज मौलवी क्या करेगा, क्या करेगा, मस्जिद में नमाज पढ़वाएगा, पाठी क्या करेगा, पाठ करेगा। वो कदम नहीं चल सकती। 4 दिन मोदी सरकार चलने लायक नहीं है अगर मीडिया उनका साथ देना छोड़ दे। ये मिलते हैं टुकड़े, मिलते हैं हड्डी के, जिस पे वो मीडिया पल रही है। रंगे हुए सियार को कब तक शेर मानोगे भाई, ये रंगा हुआ सियार है। जिस दिन सावन की बारिश में इसको नहला देते तो पता लगता कितना शेर है और कितना गीदड़ है। आप गीदड़ों की पूरी फौज ले रखी है और कहता मैं शेर हूँ। देश की जुअर बन चुके हैं राहुल गांधी। आज देश के सारे मुद्दे उठाने वाला अगर कोई नेता है तो वो राहुल गांधी हैं, और देश के मुद्दे दबाने वाला कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी है। आज देश के सारे मुद्दे ये मीडिया को खरीद करके दबवा लेते हैं, पर उस मीडिया को भी हमारे सवाल हैं कि देश के मुद्दों पे कब बात करोगे, कब तक दाएं बाएं की बात करोगे। आज देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, भुखमरी इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। आप याद रखो इस बात को कि दो दो रोटी पे कत्लेआम हो रहा है, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं गर्मियों के माहौल में। ये सारे मुद्दे देश के बहुत बड़े मुद्दे हैं, और आज सही मायने में देश के मुद्दों पे चुनाव होगा 2024 में। ये लोगों को समझना चाहिए, पर इनके पास एक हथियार है। ये कहते हैं कि हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जो हम 2024 में छोड़ेंगे। ये कहते हैं कि हम राम मंदिर के मुद्दे को इतना बड़ा बना देंगे कि लोग उसमें अंधे हो जाएंगे और राम के नाम पे मोहर लगाएंगे। पर मैं आपको बता दूं, इस बार लोग जाग चुके हैं। लोग राम के नाम पे ही, राम का नाम लेके तुम्हारे लिए वोट खिलाफ करेंगे, तुम्हारे को वोट नहीं करेंगे। तो ये आज सबसे बड़ी बात है कि देश के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और 2024 में जनता को जागृत होना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। आज सारे देश राहुल गांधी के समर्थन में बोल रहा है क्योंकि अत्याचार हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है एक आदमी को, क्योंकि एक आदमी संसद में सवाल पूछता है। आप उसको टारगेट करोगे, आप उसकी सदस्यता रद्द करोगे, ये अपने आप में क्या दिखाता है? ये अपने आप में दिखाता है कि इनको राहुल गांधी खटकने लग गए हैं, जिनको ये बालक समझते थे, आज उस बालक ने इनकी हिजामत बना दी है। तो आज ये लोग डरने लगे हैं, राहुल गांधी से भयभीत होने लगे हैं। तो आज सही मायने में देश की जरूरत है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी अगर देश की आवाज मजबूत नहीं करेंगे तो कोई ऐसा नेता नहीं है भारत के अंदर जो आज जनता की आवाज को मजबूत कर सके। कितने नेता गए आज, विपक्ष के कितने बड़े बड़े नेता हैं आप बताओ, कोई नेता गया मणिपुर? केजरीवाल अपने आप को राष्ट्रीय चेहरा मानता है, क्या केजरीवाल गया? मायावती गई? गठबंधन वो एक बात, क्षेत्रीय राजनीति में हमारा उससे 36 का आंकड़ा हमेशा रहेगा, पर राष्ट्रीय राजनीति में उसका स्वागत है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में उसको मारना बहुत जरूरी है। अगर जंगल में शेर पागल हो जाए तो सभी जो बाकी के लोग हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, आप समझो। अगर बाकी के लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो वो पागल शेर सबको मारेगा। तो आज मोदी सरकार उस पागल और खूंखार शेर की तरफ हो चुकी है जो सबको कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रही है, और आज उस पागल शेर से लड़ने के लिए हम सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आपस की लड़ाई तो बाद में देखेंगे। आप याद रखो, अगर एक क्षेत्र के अंदर, एक एरिया के अंदर दो गुंडे भी होते हैं ना, तो वो ये नहीं चाहेंगे कोई बाहर से गुंडा और हमें पेल के चला जाए। वो कहेंगे जो बाहर से आया पहले उसको पेलो, आपसी लड़ाई तो बाद में देखेंगे। तो आज केजरीवाल से, दिल्ली सरकार से हमारी जो लड़ाई है वो चलती रहेंगी। जो दिल्ली के मुद्दे हैं उन पे हम मुखर होकर बोलेंगे, पर आज जो केंद्र के मुद्दे हैं, अगर केजरीवाल आया है विपक्ष के तौर पर, उसका समर्थन है। पर आज हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसके पीछे कोई रणनीति ना हो, क्योंकि ये सब लोग कहीं ना कहीं मोदी सरकार के संरक्षण में पलने वाले लोग हैं। ये कहीं ना कहीं डमी खड़ी करेंगे 2024 के इलेक्शन में, ऐसा मेरा इंडिविजुअल मानना है। आप याद रखना, ये जान करके दिल्ली के अंदर 3 से 4 सीटों पर लड़ेगा इलेक्शन, और ये अपनी डमी खड़ी करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो पर उसके लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो आपको पता होगा कि आला कमान का फैसला, उसका स्वागत है, पर आज सही मायने में मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। आज सब अपने अपने हिस्से की ईमानदारी रखेंगे तो मोदी को गिरा पाएंगे, चाहे उसमें केजरीवाल हो या नीतीश सरकार हो। आपसे ज्यादा बीजेपी के साथ पार्टियां, आप 26 के साथ हैं, वो 38 के साथ, यही तो बात है ना। वो तो कहते हैं शेर अकेला आता है, आप समझो। गीदड़ों की पूरी फौज ले रखी है और कहता मैं शेर हूँ, आप समझो। ये तो भारत के लोगों को सोचना पड़ेगा। रंगे हुए सियार को कब तक शेर मानोगे भाई, ये रंगा हुआ सियार है। जिस दिन सावन की बारिश में इसको नहला देते तो पता लगता कितना शेर है और कितना गीदड़ है, आप समझो इस बात को। आज जानवरों से तुलना देश के प्रधानमंत्री की लोग करके खुश होते हैं, कहते 56 इंच, अरे काय की 56 इंच, मैं कहता हूँ इंची टेप लेकर के नाप लो आप लोग, 56 इंच है या 36 इंच है, मजाक नहीं है देश को चलाना, इतने बड़ी आबादी को चलाना। पर तुमने इतनी बड़ी आबादी को धर्म के नाम पर लड़वा रखा है, तो ये
2024 की सूरत नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पे देश का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर धर्म के नाम पे देश का इलेक्शन हुआ तो वो दिन दूर नहीं है कि 2029 तक आप और हम लोग अपनी किडनियाँ बेच के रोटी खाने की नौबत आ रही होगी। अस्पताल में लोग खड़े होंगे, भैया खून की बोतल बेचने को तैयार है, हमारा खून ले लो और हमें 500 रुपये दे दो। ये हालात हो जाएंगे देश के, रोटी खाने के लिए लोग खून बेचेंगे, ये हालत भी देखने को मिलेगी। वरना वो नेता हैं जिन्होंने देश के सारे मुद्दों की पोल खोल दी, चाहे कोरोना हो या नोटबंदी हो, आप याद रखो इस बात को, या मणिपुर की घटना हो, उन्होंने हर मुद्दे का पहले से ही इनको चेताया था कि ये सब कुछ हो सकता है। पर आज जो बंदा एक दूरदर्शी है, जो फ्यूचर की राजनीति देख के तुम्हारे सामने पत्ते खोल रहा है कि ऐसा होगा, तुम उसको पप्पू कह रहे हो, पप्पू तुम लोग हो जो उसके बताए रास्ते पर चलना नहीं चाहते। तो आज राहुल गांधी की छवि को ख़राब करके ये सोचते हैं कि देश मजबूत होगा या राहुल गांधी कमज़ोर होगा। पिछले 8 साल से मैं पढ़ूँ कि अगर लोग कहते हैं ना मोदी जी बहुत मजबूत नेता हैं, हम मानते हैं कि पिछले 8 साल से मोदी जी मजबूत हुए हैं, हम मानते हैं वो 56 इंच 112 इंच होंगे, हम मानते हैं कि मोदी जी की तूती बोलती होगी, पर सही मायने में पिछले 8 साल से देश कितना कमज़ोर हो गया इसके लिए कोई सवाल नहीं करता। विश्वगुरु बन रहा है कमज़ोर। मैंने आपको क्या बोला, ये विश्वगुरु जिसमें देश के अंदर बेटियों का नंगा घुमाया जाता है उसे आप विश्वगुरु कहते हो? जिस बलात्कार की घटनाओं को सरेआम अंजाम दिया जाता है, 500,000 आदमी की भीड़ में बहन बेटियों का नंगा करके घुमाया, उसे विश्वगुरु मानते हो? जिस आप विश्वगुरु की बात करते हो, आतंकवाद को खत्म करते करते देश की अर्थव्यवस्था खत्म कर देते हो, उसे आप विश्वगुरु मानते हो? आज जो आज लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए दूसरे नेताओं को खरीद लेते हैं और बनी हुई सरकारों को गिराते हैं, उनको विश्वगुरु मानते हो? ये विश्वगुरु नहीं है भैया, ये झुंझुना गुरु है, झुंझुना गुरु, ये घंटा गुरु है, गुरु घंटाल हैं ये लोग। और इसी सरकार को आप लोग लीपा पोसी करके ढकते रहोगे, मीडिया वाले ढकते रहेंगे, तब तक उजागर नहीं होगा। आज मीडिया का काम छेद दे, आज नेशनल मीडिया को चाहिए कि सरेआम मोदी के खिलाफ बोले, पर वो बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको नोट मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं हड्डी के, जिस पे वो मीडिया पल रही है और वो पोषक तत्वों से मजबूत हो रही है। आज जिस दिन मीडिया 4 दिन के लिए ईमानदार होगी, मैं आपको दिखा दूंगा कि मोदी सरकार जमीन पर धराशायी होगी। आज मोदी सरकार वो लूली लंगड़ी सरकार है जिसकी बिसाखियाँ मीडिया हैं। जिस दिन मीडिया यानी कि बिसाखियाँ छीन ली गई, मोदी सरकार 2 कदम नहीं चल सकती। 4 दिन मोदी सरकार चलने लायक नहीं है अगर मीडिया उनका साथ देना छोड़ दे। ये हालात है देश के। हाँ जी, कह रहे आपकी बार भी 400 पार। देखिए आज कहने की बात है, मैं तो कहता हूँ सारा हिंदुस्तानी तुम ही ले जाओ भाई, बाकी लोग तो आई नहीं, सारी तुम ही मोरे लगाओ, तुम ही इलेक्शन ही मत कराओ। जब तुम्हें इतना 400 पार का वो है तो घर घर जाके भाजपा का झंडा ही ले रहा दो, बाकी लोग तो बेवकूफ़ हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे। अपने आप से कुछ भी बोलते रहो, एक नरेटिव सेट करते रहो, गलत गलत धारणाएं बनाते रहो और लोगों को भ्रमित करते रहो कि 400 पार। अरे 40 पार हो जाए बहुत बड़ी बात है भैया, ये 400 पार की तुम बात कर रहे हो, इस बार 40 भी पार नहीं होंगे। कोई नहीं है टक्कर में। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं है टक्कर में। ऐसे लोगों से कौन लड़ेगा जो नंगे होते हैं? आज लड़ा तो उससे जाता है ना जो समझदारी की बात करता है। तुम पागल से लड़ लोगे? अगर आज एक पागल आदमी तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं, लड़ लोगे? नहीं लड़ोगे ना, क्योंकि तुम कहोगे पागल है। तो आज हमें हमारी लड़ाई भारत की जनता को जागृत करने की है, हमारी लड़ाई मोदी सरकार से लड़ने की नहीं है। हम जनता को जागृत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। आज जनता को जागरण बढ़ेगा, आज हिंदू तत्व के नाम पर देश नहीं चल सकता। आप याद रखो इस बात को, हिंदू तत्व के नाम पर मंदिर चल सकते हैं, धर्म के नाम पे गुरुद्वारे चल सकते हैं, धर्म के नाम पे मस्जिद चल सकती हैं, पर देश संविधान से चल सकता है और उसी की देश को जरूरत है। अभी आपने देखा होगा अमित शाह का एक इंटरव्यू, उससे हिंदू तत्व के नाम पे पूछा गया तो उसने बोला नहीं नहीं हम तो संविधान का समर्थन करते हैं। आप समझो, अपने प्यादों को हिंदू तत्व के नाम पे ज़मीन पे उतार के लड़ाइयाँ करवाते हैं और मीडिया के सामने संविधान का रोला करते हैं। संविधान से अगर देश चलता होता ना तो हिंदू तत्व का जो नारा लगाते हैं, जो बोलते हैं हिंदू राज, उन सबके ऊपर आतंकवाद की धारा लग जाती अब तक। आप समझो, क्योंकि देश के संविधान के खिलाफ बोलना है अगर हिंदू राज की आप बात कर रहे हो, क्योंकि संविधान हिंदू राज की इजाज़त नहीं देता। पर आज सही महीने में उनको मजबूत किया जाता है, उनको सुरक्षा दी जाती है। जो आज की डेट में आज इनका समर्थन करे वही सबसे बड़ा नेता बन जाता है। तो ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? देखिए गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा गठबंधन तय करेगा, पर देश को राहुल गांधी की जरूरत है, हमें राहुल गांधी की जरूरत है। हमारा पूर्णता समर्थन राहुल गांधी के साथ है और गठबंधन भी राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी को नट टाइट करने पे लगा दिया है मोदी जी ने। देखिए एक छोटी सी बात है कि वही आदमी तो है जो जमीन के मुद्दे उठाता है। आप याद रखो, चाहे वो मैकेनिक बने, या वो नाई बने, या वो कुछ भी बने, वो किसी ना किसी माध्यम से देश के गरीब जनता के बीच में तो जाता है। तुम तो उनके बीच में भी नहीं जाते हो। राजनीति कर रहे हैं अब, जा रहे हैं पहले। बिल्कुल अच्छी बात है, राजनीति आदमी राजनीति तो करेगा। आज मैं राजनीति को तो मैं राजनीति तो करूंगा भैया, मैं गोलगप्पे पापड़ी छोड़ना बेचूंगा। अगर हम नेता हैं तो राजनीति करेंगे। आज पुजारी क्या करेगा? घंटी बजाएगा, काय को बजाएगा? आप बताओ, आज मौलवी क्या करेगा? क्या करेगा? मस्जिद में नमाज पढ़वाएगा। पाठी क्या करेगा? पाठ करेगा। नाई क्या करेगा? बाल काटेगा। ये तो ज्योतिबा फुले का विचार था कि एक ब्राह्मण भी अगर पूजा करता है तो वो अपना धंधा कर रहा है, वो पूजा पाठ नहीं कर रहा। तो एक राजनीतिक आदमी भी अगर जनता के बीच में जाके उनके मुद्दे उठा रहा है तो बेशक राजनीति है, पर उस राजनीति से जनता के बीच में जाना ये सबसे बड़ी बात है कि जनता के मुद्दों को देश के बीच में लेके आना। एक राजनीतिक आदमी मंदिर गुरुद्वारे में जाके पाठ नहीं करेगा, इनकी तरह घंटियाँ नहीं बजाएगा। ये साधु संतों का चोला ओढ़ के साधु संतों के चोले को बदनाम करते हैं। आप समझो, जिन्होंने संन्यास ले लिया, जिन्होंने संन्यास
से ले लिया, तो पहाड़ों पे जाओ ना, साधु संत प्रॉपर वाले बनो, खड़क पहनो, साधु संत बनो, पहाड़ों पे जाओ तपस्याएं करो। कौन मना कर रहा है? देश की राजनीति में हाथ भी देना है और साधु संतों का चोला भी पहनना है। ये डबल डबल जो चीजें हैं ना, ये देश को भ्रमित करती है। गठबंधन बनाया परिवारवाद है इसमें सारा, बिल्कुल परिवारवाद है भैया, देश ही परिवार है। क्या आप देश का हिस्सा नहीं हो? क्या आप देश को परिवार नहीं मानते? हाँ भाई नहीं मानते, हम लोग तो मानते हैं। ये पूरा देश हमारा परिवार है, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है। और परिवारवाद का मतलब क्या होता है? परिवारवाद का मतलब है कि हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि अमित शाह के लोंडे को बैठा दिया जो तिरंगा फहराते भी इसको डर लगता है, आप समझो, जो टपा टप करके ऐसे इशारे करता है, आप समझो इस बात को, ऐसे गंदे गंदे इशारे करने वाले आदमी को अभी तक निकाला नहीं गया, आप समझो। तो ये अपने आप में क्या दिखाता है? इनको बाहर निकाला जाए अश्लील इशारे करने वाले आदमियों को, वो तो पूरे नेशनल मीडिया में नहीं चलाए जाते कि देखो अमित शाह के लोंडे ने ऐसे ऐसे किया। वो क्या था, क्या था वो, पूछो ना इसे, इतनी गंदी अश्लीलता इनके दिमाग में भरी है। और ऐसे लोग आज बीसीसीआई के अध्यक्षों के रूप में बन के बैठे हुए हैं भैया, ये ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये सही मायने में खेलों के ऊपर भी पिनौती है। जब से ये आया है साला इंडिया की दुर्गति होती जा रही है, किसी का बल्ला ही नहीं चलता, सिर्फ इसकी जबान चलती है और इसके इशारे चलते हैं ऐसे ऐसे वाले। इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है मेरे भाई। 2024 का मुद्दा है आप, राम मंदिर का मुद्दा होगा, आप समझो 2024 में बहुत सारे लोग भूल जाएंगे, कोरोना में हमारी लाशें जली थी, हमें मुसलमान समझ के दफना दिया गया, मणिपुर में जिनको नंगा करके घुमाया गया वो भी हिंदुओं की बेटियां थी, सब लोग भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। अरे पहले क्यों नहीं 21 जून से, अब तुम्हारे सवाल है, तुम्हारा सवाल उठाता हूँ, 21 जून से आपको पता है FIR हो रखी है उन बेटियों ने, 21 जून से FIR करा रखी है। 19 जुलाई को वो वीडियो वायरल होती है, पूरा एक महीना था, 29 दिन में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? वीडियो वायरल होती 2 दिन में गिरफ्तारी होगी, उस समय क्यों सोए पड़े थे? आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के MLA क्या कर रहे हैं, पता है आपको? वहाँ के MLA मिलिट्री को बोलते हैं, अरे ये अपने बंदे हैं, ये दंगा मचा रहे हैं, इनको छोड़ो। आज समझो इस बात को, मिलिट्री वालों के हाथ बंधे हैं, पुलिस वालों के हाथ बंधे हैं, दंगाइयों के साथ खड़े हैं मिलिट्री वाले और पुलिस वाले, ये सबसे बड़ा सवाल है। मणिपुर के अंदर एक बेटी को सरेआम गोली मार दी गई सड़क के ऊपर, आपको वीडियो दूंगा साथ में लगाओ, और मिलिट्री वालों की बंदूक से मारी गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देश के रक्षक भक्षक बन चुके हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबको अपनी नौकरी प्यारी है, देश किसी को प्यारा नहीं है, ये हमारे देश के मुद्दे हैं। जिस देश के अंदर बहन बेटे को सरेआम गोलियां मारी जा रही है, उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डाले जा रहे हैं, उस देश के अंदर देश मजबूत नहीं होगा, वो देश कमजोर होगा। वो मोदी सरकार के ऊपर एक सही मायने में एक इतना बड़ा कलंक है मणिपुर का, जो घटना हुई है कि मोदी सरकार अगले 7 जन्मों में भी अगर जन्म लेगी ना, तो मणिपुर की घटना इनको सोने नहीं देगी, बेचैन रहेंगे, आधी आधी रात को इनको सपने आएंगे, पर इनको सालों को पता नहीं होगा ये हमें सपना क्यों आता है। इनको यादाश्त होगी, भगवान इनके दिमाग में वो मणिपुर की घटना चिल्लाएंगे, चाहे मोदी अगले 7वें जन्म में भी होगा, चीख मार मार के रात को उठेगा कि क्या हो गया मणिपुर में, क्या हो गया, इनका वो हाल होने वाला। क्या सोच रहे हो आप लोग? मोदी ने तो कह दिया ना कि अरेस्ट करो, गिरफ्तारी करो, क्यों? आज मेरी बात एक छोटी सी बात है, आज आज से पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? 78 दिन से एक राज्य चल रहा है, इस प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता, ये फराज भी घूमेगा, ये अमेरिका भी जाएगा, जापान भी जाएगा, चाइना भी जाएगा, इसको पूरा विदेश घुमा लो, ये तो अपनी भैया इच्छाएं पूरी कर रहा है। एक आदमी बुढ़ापे के अंदर सठिया जाता है, जिसके मन के अंदर मंशा उठती है कि मैं ये करूं, तो ये तो अपनी जिंदगी जी रहा है भैया, जिंदगी जी रहा है। राम जो इस बात को इस्तीफा, हमें मोदी सरकार का, पूरे मंत्रियों का, मेरी बात सुनो, हमें मोदी सरकार का पूरा इस्तीफा चाहिए, इसको पूरी सरकार को भंग किया जाए, आप समझो इस बात को। और 2024 में इलेक्शन होने हैं, मैं कहता हूँ वो अगले महीने कराए जाए, क्योंकि 2024 तक पता नहीं कितनी बेटियों को और नंगा कर दिया जाएगा इनके राज्य में। आगे सीएम है।